महासागर विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि नवीनतम विषय है और यह इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का भी विषय है, सी लेवल चेंज, समुद्र तल परिवर्तन। इसमें सबसे पहले एक प्रश्न उठता है कि समुद्र तल परिवर्तन क्यों, क्यों नहीं महासागर तल परिवर्तन? क्योंकि हमारे पृथ्वी पर महासागर हैं और उनके जल के स्तर में कभी उत्थान होता है और कभी पतन, तो हम समुद्र तल परिवर्तन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम स्थल के निवासी हैं और स्थल के पास जल की वह राशि जो महासागरों से संबद्ध है समुद्र कहलाती है, जैसे चाइना सी, अरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, कैरेबियन सी। और हमारा संबंध समुद्र से ज़्यादा है, महासागर हमसे दूर हैं। और महासागर और समुद्र का संबंध है तो हम समुद्र तल के परिवर्तन के आधार पर यह आकलन कर सकते हैं कि महासागर के तल में भी परिवर्तन होता है। और एक मुख्य बात है जो कि प्रकृति उपदेश देती है कि महासागर के तल में उतना परिवर्तन नहीं होगा जितना सागर के तल में, अर्थात महान लोगों के व्यक्तित्व में अधिक विचलन या परिवर्तन नहीं होता, छोटे भाई छोट भैया के व्यक्तित्व में विचार में बहुत तेज़ी से विचलन या परिवर्तन होता भी है, देखा भी जाता है। अब हम समुद्र तल परिवर्तन में देखते हैं कि क्यों यह होता है, इसकी परिभाषा क्या है, और इसमें हम देख रहे हैं कि समुद्र तल के स्तर में यदि वृद्धि हुई या वह ऊपर की तरफ उठा राइजिंग हुई या वह नीचे की तरफ गया लोअरिंग हुई, इसी को सी लेवल चेंज या समुद्र तल परिवर्तन कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि समुद्र तल परिवर्तन का मापन कहाँ से किया जाएगा? उसके लिए एक आधार तल, बेस लाइन या डेटम प्लेन निर्धारित किया जाता है। और वह डेटम प्लेन किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? जहाँ पर जल में सापेक्षिक स्थिरता हो, ज़्यादा वेरिएशन ना हो। जैसे ब्रिटेन के लोग समुद्र तल का मापन न्यूलिन कार्नवाल जो कि साउथ में है वहाँ से करते हैं, इसी तरह से भारत के लोग भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार बॉम्बे हाई से इसका आकलन करते हैं और उसी को आधार तल या डेटम प्लेन कहा जाता है। वहीं से विश्व के हर स्थान, वह चाहे प्लेन हो, प्लेटो हो, माउंटेन हो, की हाइट निकाली जाती है। हाँ, ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति की ऊंचाई समुद्र तल से नहीं निकाली जाती है। और इस परिवर्तन को यूस्टैटिक चेंज, यूस्टैटिक माने स्थैतिक परिवर्तन कहा जाता है, अर्थात स्थल में उन्नयन और अवनयन नहीं हो रहा है, स्थल अपनी जगह स्थिर है, उसमें कोई डायस्ट्रोफिक चेंज नहीं हो रहा है, उसके समुद्र तल में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको यूस्टैटिक चेंज भी कहा जाता है। और सी लेवल चेंज और यूस्टैटिक चेंज समान है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि समुद्र तल में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री इस चीज़ का गवाह है, सबूत है कि दो कारण से समुद्र तल में वेरिएशन होता है। पहला कारण है ग्लोबल कूलिंग, पार्थिव शीतलन, और दूसरा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, पार्थिव ऊष्मन। हम लोग जियोलॉजिकल हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन होता है और जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप कभी कभी जब ग्लोबल कूलिंग हो जाएगी तब निम्न अक्षांशों से कुछ न कुछ वाष्पीकरण होता रहेगा, जो जल त्रिकोशिकीय संचरण से उच्च अक्षांशों में जमा हो जाएगी। परिणाम क्या होगा कि बर्फ़ की चादरें बढ़ेंगी कूलिंग के समय और
निम्न और मध्य अक्षांशों में समुद्र तल घटेगा। कभी कभी स्थिति इसके विपरीत हो जाती है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग पार्थिव ऊष्मन का चरण चल पड़ता है, जिसमें ताप वृद्धि होने से उच्च अक्षांशों की बर्फ गलती है और वह निम्न और मध्य अक्षांशीय सागरों और महासागरों में जलराशि इकट्ठा होती है। परिणाम क्या होता है कि समुद्र का तल ऊपर की तरफ उठता है। बस यही दो प्रमुख कारण हैं, प्राकृतिक कारण हैं, इसमें मानवकृत कारण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। आइए हम लोग इन प्राकृतिक कारणों का अध्ययन करते हैं कि ग्लोबल कूलिंग कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका परिणाम क्या है, इसके चरण क्या हैं और इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो इसमें जैसा कि हम लोग अभी चर्चा किए थे, टेम्परेचर डिक्रीज, तापमान घटता है, पूरे ग्लोब का तापमान घटता है। पूरे ग्लोब का तापमान क्यों घटता है इसको भी समझने की आवश्यकता है, जिसको आप लोग वायुमंडल में सीख चुके हैं। पूरे वायुमंडल के तापमान में कमी होने का दो ही कारण हो सकता है, या तो उल्कापातीय धूल वायुमंडल में छा जाए और या तो पृथ्वी से निकलने वाली ज्वालामुखी राख फैल जाए और या तो घने बादल छा जाए। इन्हीं कारणों से सूर्यातप की मात्रा पृथ्वी पर कम पहुंचेगी। जब सूर्यातप ही कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से पार्थिव स्तर पर तापमान घटेगा और इस तरह से ग्लोबल कूलिंग या पार्थिव शीतलन का एक चरण होगा। और उस चरण में क्या होगा कि फ्रीजिंग इन हाई लैटिट्यूड एंड हाई आल्टीट्यूड एंड इवेपोरेशन इन लो लैटिट्यूड। जब तापमान घटेगा तो निश्चित रूप से उसका अधिक प्रभाव ऊंचे अक्षांशों पर पड़ेगा और ऊंचे स्थानों पर्वतों पर पड़ेगा, जहां पर कि तापमान 0 डिग्री के आसपास होता है। तो निश्चित रूप से उसका तापमान घटेगा और वहां बर्फ जमेगी। बर्फ के जमने के लिए पानी चाहिए, जलवाष्प चाहिए, उसको ठंडा होना चाहिए। कहां से जलवाष्प आएगी? यदि आप निम्न और मध्य अक्षांशों में देखें तो यहाँ का भी तापमान उस समय घटेगा, लेकिन यह शून्य नहीं होगा, कुछ न कुछ 15-20 डिग्री सेल्सियस तो रहेगा ही, और उस टेम्परेचर पर कुछ मात्रा में वाष्पीकरण होगा और वह जलवाष्प वायुमंडल के संचरण द्वारा जब उच्च अक्षांशों में और ऊंचे पर्वतों पर पहुंचेगी तो वहाँ पर तापमान में कमी के फलस्वरूप वह जम जाएगी और जमकर वहीं पर स्थिर होकर के संन्यास ले लेगी, कल्पवास करने लगेगी, या कह लीजिए कि जलचक्र के जीवन मरण से मुक्त होकर वहाँ पर रहेगी। और इसी को कहा जाता है ग्लोबल कूलिंग, पार्थिव शीतलन, जिसमें टेम्परेचर तो ऑन एवरेज पूरे ग्लोब का कम होगा लेकिन बर्फ जमेगी उच्च अक्षांशों और ऊंचे पर्वतों पर। अब इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि सी लेवल डिक्रीज इन लो लैटिट्यूड। जब निम्न अक्षांशों में और मध्य अक्षांशों में कुछ वाष्पीकरण होगा तो वह जलवाष्प उच्च अक्षांशों में अस्थायी हो जाएगी, गलकर निम्न अक्षांशों में नहीं आएगी। परिणाम क्या होगा कि निम्न अक्षांशों का जल स्तर घटेगा और आंकड़े के अनुसार 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज इन टेम्परेचर, यदि पूरे ग्लोब का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटा दिया जाए तो इससे 2 मीटर लोअरिंग होगी सी लेवल की। अर्थात पूरे ग्लोब का टेम्परेचर यदि 1 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाए तो निम्न अक्षांशों में समुद्र तल
दो मीटर नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ वाष्पीकरण होगा और वह जलवाष्प उच्च अक्षांशों ऊंचे पर्वतों पर जमकर स्थित हो जाएगी और समुद्र तल बराबर घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि वह बर्फ इंतजार कर रही है अपने समय का, ग्लोबल वार्मिंग का, और उस समय फिर वह बर्फ गलकर जल रूप में परिणत होकर निम्न अक्षांश पर आएगी और अपना एक चक्र पूरा करेगी, ग्लोबल कूलिंग और ग्लोबल वार्मिंग के फेज का। ये रही कहानी ग्लोबल कूलिंग की। अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे पृथ्वी पर ग्लोबल कूलिंग हुई है और क्या समुद्र तल निगेटिव या ऋणात्मक नीचे गया है, और क्या एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के घटने से समुद्र के जल में दो मीटर की गिरावट आई है। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जियोलॉजिकल हिस्ट्री का अध्ययन करने से दो चरण हैं ग्लोबल कूलिंग या पार्थिव शीतलन के। पहला चरण है कार्बोनिफेरस काल का और दूसरा चरण है अभी नवीनतम प्लीस्टोसीन काल का। कार्बोनिफेरस काल में कूलिंग हुई थी और हिमानीकरण हुआ था, जैसा कि अभी हम लोग थियोरेटिकल देखे, और जिसके की प्रमाण अनेकों हैं, जैसे कि इंडिया में दक्कन पठार पर, विशेष रूप से जबलपुर में नर्मदा नदी के आसपास, भेड़ा घास के आसपास बड़े बड़े बोल्डर्स मिलते हैं, टार्स मिलते हैं, जो हिमानी प्रक्रम के हैं, और हिमानी प्रक्रम इंडिया के वर्तमान अक्षांश पर कभी नहीं हुआ था, हो भी नहीं सकता था। इससे यह राज खुलता है, यह भौगर्भिक राज खुलता है कि भारत कभी हिमानी क्षेत्र में था, अर्थात दक्षिण की तरफ, दक्षिणी ध्रुव के कहीं आसपास था, और वह प्रक्रम काम किया। और इसी तरह से इसके प्रमाण अन्य दक्षिणी महाद्वीपों में भी पाए जाते हैं। लेकिन प्लीस्टोसीन, जो दूसरा बहुत बड़ा पार्थिव शीतलन का चरण इस पृथ्वी पर हुआ, वह प्लीस्टोसीन काल का है, और इसमें भी कूलिंग हुई थी, शीतलन और हिमानीकरण हुआ था। और इसमें विशेष रूप से चार चरण पाए जाते हैं, और उसमें से पहला चरण गुंज, उसके बाद मिंडल, फिर रिस, फिर उर्म। और गुंज पहला चरण था, इसलिए इसको सबसे नीचे आधार में रखा गया है, क्योंकि जियोलॉजिकल हिस्ट्री, भौगर्भिक इतिहास का अध्ययन नीचे से ऊपर की तरफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि चट्टानों का निक्षेप, अवसादी चट्टानों का निक्षेप, पहले चट्टाने नीचे जमा होती हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आती हैं। गुंज पहला चरण था हिमानीकरण का, और मिंड दूसरा चरण था हिमानीकरण का, रिस थर्ड फेज था, उर्म फोर्थ फेज था। लेकिन एक बार जब हिमानीकरण हो गया, उसके बाद पुनः हिम का पिघलाव भी हुआ, इसलिए दो हिमानीकरण काल के बीच में एक डीग्लेशिएशन या हिम पिघलाव का चरण भी आया। अर्थात गुंज हिमानीकरण था और मिंडल भी हिमानीकरण, और दोनों के बीच में एक डीग्लेशिएशन, जिसका मतलब कि हिम का पिघलाव। इसी तरह से मिंडल और रिस के बीच में भी, रिस और उर्म के बीच में भी डीग्लेशिएशन या हिम के पिघलाव के चरण हुए, और उर्म सबसे लास्ट हिमानीकरण का चौथा चरण था, किसका? प्लीस्टोसीन काल में। इस तरह से उर्म चौथा चरण था हिमानीकरण का प्लीस्टोसीन काल का, और उर्म के बाद अब लगातार वार्मिंग ही हो रही है, ऊष्मन ही हो रहा है, क्योंकि उर्म के बाद जब अगला डीग्लेशिएशन हुआ, और उसके बाद अब डीग्लेशियराइजेशन हो रहा है। यहाँ आपको डीग्लेशिएशन हिम पिघलाव और डीग्लेशियराइजेशन में अंतर समझ लेना आवश्यक है। डीग्लेशिएशन
नेचुरल या प्राकृतिक कारकों से होता है और डीग्लेशियराइजेशन निश्चित रूप से मानवीय क्रियाओं से होता है, जैसे कि आज का फेज जो इस समय चल रहा है 2018 में या इन दशकों में, उसमें निश्चित रूप से डीग्लेशियराइजेशन हो रहा है जिसमें मानवीय क्रियाएं उल्लेखनीय हैं, जैसे कि CO2 का अधिक विसर्जन, टेम्परेचर का बढ़ना और बर्फ का गलना, ग्लेशियर और हिमरेखा का पीछे हटना। इस तरह से ये रहा चार चरण प्लीस्टोसीन काल के, जिनके साक्ष्य आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा मिलेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में। और यदि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ग्लेशिएशन या हिमानीकरण की प्रोसेस दोनों ध्रुवों से शुरू होकर और निम्न अक्षांश की तरफ आती है, तो आप निश्चित रूप से इसका उत्तर दे देंगे, क्योंकि प्लीस्टोसीन काल हाल का है, लेटेस्ट है, और क्योंकि प्लीस्टोसीन के बाद जियोलॉजिकल हिस्ट्री में होलोसीन ही है जो कि अभी चल भी रहा है। तो वर्तमान स्थितियों में जिसमें कि महाद्वीप हैं, प्लीस्टोसीन हिमानीकरण के निक्षेप या उसके लक्षण निश्चित रूप से उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में मिलेंगे, न कि दक्षिण, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों के आसपास तो कोई महाद्वीप या स्थल है ही नहीं, तो उसके चिन्ह मिल कहाँ पाएंगे। इसीलिए अंतिम हिमयुग माने गुंज, मिंडल, रिस, उर्म, विशेष रूप से उर्म के लक्षण कनाडा, USA, ग्रेट लेक्स, नॉर्वे, स्वीडन, नदन रसा, इन सब भागों में मिलते हैं, अर्थात आर्कटिक सर्कल के आसपास। ये रही स्थिति प्लीस्टोसीन और कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन की, और हिमानीकरण के पृथ्वी पर दो चरण हैं। यह कारण है, लेकिन इसका परिणाम ध्यान रखिएगा कि हम लोग सी लेवल चेंज, समुद्र तल परिवर्तन पढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से प्लीस्टोसीन काल में जब हिमानीकरण हुआ था उस समय सी लेवल नीचे चला गया था, और बे ऑफ बंगाल का भी सी लेवल पर्याप्त नीचे चला गया था, जिसका कि इम्पैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं कि ग्लेशिएशन हिमानीकरण और विशेष रूप से प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशन, जो कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री भौगर्भिक इतिहास में लेटेस्ट है, उसका क्या क्या परिणाम होता है। नंबर एक है मोर लैंड ओपन इन लो लैटिट्यूड। जब हिमानीकरण होगा तो उस समय निम्न अक्षांशों में कुछ न कुछ मात्रा में वाष्पीकरण होगा, और वह वाष्प उच्च अक्षांशों में जमा होकर बर्फ रूप में स्थिर हो जाएगी। परिणाम क्या होगा कि निम्न अक्षांशों का समुत्तल घटेगा और अधिक भूमि की प्राप्ति होगी। जैसे भारत का क्षेत्रफल उस समय निश्चित रूप से बढ़ गया होगा। दूसरा इसका इम्पैक्ट है कि इकोसिस्टम, हाँ, एरिया ऑफ लैंड इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम इंक्रीज्ड। यदि निम्न अक्षांश के देशों का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा समुद्र के रिट्रीट करने से, पीछे होने से, तो निश्चित रूप से वहाँ की समुद्री या जलीय पारिस्थितिकी समाप्त हो जाएगी, और उसके स्थान पर स्थलीय पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र का फैलाव हो जाएगा। इसी तरह से इसका तीसरा प्रभाव पड़ता है रिजुविनेशन इन साइकिल ऑफ इरोजन, अपरदन चक्र में पुनर्यौवन, जिसको कि हम लोग पुनर्यौवन में पढ़े थे साइकिल ऑफ इरोजन के, और उसमें हम लोग देखे थे कि जब कोई भी नदी अपने लास्ट स्टेज में होती है तो निश्चित रूप से वह अपने बेस लेवल के बराबर अपने वैली को ग्रेडेड या अनुप्रावणित कर लेती है, लेकिन जैसे ही समुद्र तल घटता है वैसे ही उस नदी को अगले समुद्र तल तक अपना बेस लाना पड़ता है, और नदी को फिर से
अपनी घाटी को ग्रेडिंग या अनुप्रवणित करना पड़ता है, जिससे वह लंबवत कटाव करने लगती है और उस नदी को पुनर्जीवनित या उस लैंडस्केप को पुनर्जीवनित या रिजुवेनेटेड लैंडस्केप कहा जाता है। इस तरह से सी लेवल के नीचे जाने पर नदियों स्थल रूपों में पुनर्जीवन होता है, या कह लीजिए कि डेविस रिसाइकिल में एक इंटरप्शन बाधा आ जाती है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि प्लेस्टोसीन काल में जो कुछ डेटा अवेलेबल हैं उसमें इस समय टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ था, जो अध्ययन और सर्वेक्षण या रिसर्च से पता लगता है, और तापमान के 5 डिग्री सेल्सियस घटने का परिणाम क्या हुआ, सी लेवल 120 मीटर नीचे घट गया, अर्थात बे ऑफ बंगाल का भी सी लेवल नीचे घटा और वहाँ पर कुछ तटीय भाग के स्थित स्थल खुल गए और वहाँ पर स्थलीय पारिस्थितिकी का फैलाव हुआ। अब आइए हम लोग इस ग्लोबल कूलिंग के फेज को पढ़ने के बाद देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में यदि आप देखें तो इस समय टेम्परेचर हमारे ग्लोब का ऑन एन एवरेज बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे कि आज पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग CO2 छोड़ रहे हैं या ऐसी गैसें जो कि वायुमंडल के तापमान में वृद्धि कर रहे हैं, और जब तापमान बढ़ेगा तो उसका परिणाम होगा बर्फाच्छादित क्षेत्रों की बर्फ गलेगी। बर्फाच्छादित क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं? मुख्य रूप से दो क्षेत्र हैं, एक तो हाई लैटिट्यूड उच्च अक्षांशों में बर्फ है, और दूसरा हाई अल्टीट्यूड ऊँचे पर्वतों जैसे हिमालयास, राकीज, इंडीज, इन सबों पर बर्फ की चादरें हैं। तो तापमान के बढ़ने से बर्फ की चादरें गलेंगी और आइस लाइन पीछे हटेगी, बर्फ की मोटाई क्षेत्रफल घटेगा, और परिणाम क्या होगा कि वह जो जल प्राप्त होगा बर्फ के गलने से वह एकत्रित होगा कहाँ पर, लो लैटिट्यूड में, क्यों नहीं वहीं इकट्ठा हो जाता। यदि आदमी तापमान बढ़ा रहा है मानवीय क्रियाओं से तो बर्फ गल रही है ऊंचे अक्षांशों में, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, तो जल को वहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो पाप करे वही भरे, क्यों वह जल बहकर निम्न अक्षांश भूमध्य रेखीय पेटी में आता है, जैसा कि आज रिपोर्ट मिल रही हैं कि विशेष रूप से निम्न अक्षांशीय पेटी, भूमध्य रेखीय पेटी के सहारे जल स्तर तीव्र गति से बढ़ रहा है, जैसा कि इंडोनेशिया में जकार्ता को डूबता हुआ शहर, बैंकॉक को भी डूबता हुआ शहर, अर्थात इंडोनेशिया या कह लीजिए कि इक्वेटर के सहारे, चाहे गलापागोस द्वीप हो, चाहे प्रिंसिप एंड साओ टोम हो या इंडोनेशिया के हों, वही पहले डूबने की स्थिति में है। इसका मतलब कि पाप कोई कर रहा है और भुगत कोई रहा है, और बर्फ गल रही है उच्च अक्षांशों की और डूब रहे हैं निम्न अक्षांश के लोग। ऐसा भी UPSC आपसे पूछ सकती है कि इसकी व्याख्या करिए, तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। इसका कारण है, इसका कारण माने उच्च अक्षांशों की बर्फ का गलकर जल रूप में निम्न अक्षांशों पर आने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर रोटेशन। रोटेशन के फलस्वरूप उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्रापसारी बल, जिससे उच्च अक्षांशों का जल सागरों, महासागरों से होता हुआ निम्न अक्षांशों में एकत्रित हो रहा है। इसी तरह से ऊंचे पर्वतों की भी बर्फ गल रही है, तो वह जल भला ऊंचाई पर कैसे टिक पाएगा? निश्चित रूप से वह भी नदियों के थ्रू बहकर आ जाएगा
समुद्र में, और समुद्र तो तैयारी कर ही चुका है चल इक्वेटर की ओर, अर्थात पूरे समुद्र का जल भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। और इस तरह से जल निम्न अक्षांशों में इकट्ठा हो रहा है, जिसका परिणाम हो रहा है कि सी लेवल राइजिंग इन लो लैटिट्यूड, निम्न अक्षांशों में विशेष रूप से समुद्र तल उठ रहा है। फिर क्या परिणाम हो रहा है, आइलैंड एंड कोस्टल एरियाज सबमर्ज्ड, जो छोटे छोटे द्वीप हम लोग जैसे इंडोनेशिया के द्वीपों की चर्चा किए, वो और तटवर्ती क्षेत्र भारत भी उसके चपेट में है और पूर्वी तट पर समुद्र तल चढ़ता चला आ रहा है। इस तरह से आइलैंड और कोस्टल एरिया सबमर्ज जलमग्न हो रहे हैं। फिर क्या परिणाम हो रहा है, जहाँ पर आज स्थलीय पारिस्थितिकी है वह जलीय पारिस्थितिकी में परिवर्तित हो जा रही है। अर्थात यदि आप तट के निवासी हैं और आप घोड़ा के शौकीन हैं और आप घोड़ा बांधकर कुछ समय के लिए रिश्तेदारी चले गए, लौटने पर पता लगेगा कि आपका घोड़ा दरियाई घोड़ा हो गया, वहाँ पर समुद्र का जल चढ़ गया और घोड़े का रूप ही बदल गया। और इसी तरह से इसका एक और परिणाम होता है लैंडस्केप पर या जियोमॉर्फोलॉजी पर, जिसको कहा जाता है जीरंडेशन इन साइकिल ऑफ इरोजन। जीरंडेशन माने वृद्धिकरण, अर्थात कोई भी नदी अपने अंतिम अवस्था में जब आधार तल को प्राप्त कर ली या करने वाली है, अभी थोड़ा सा बुढ़ौती आना बाकी है, उसी समय सी लेवल अगर ऊपर उठ गया तो नदी को आधार तल सहजता से प्राप्त हो जाएगा और उसकी बुढ़ौती समय से पहले आ जाएगी, जिसको कि जीरंडेशन कहा जाता है वृद्धिकरण। इस तरह से जीरंडेशन हो जाता है। और इसके उदाहरण में रिसर्चेज से पता लगता है कि भारत के पश्चिम तट पर कोरोमंडल तट, मालाबार तट पर समुद्र तल ऊपर उठ रहा है, वैसे वहाँ पर समुद्र तल को ऊपर नहीं उठना चाहिए, क्योंकि पूर्वी तट पर यदि समुद्र तल ऊपर उठ रहा है तो वहाँ सीधे ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। लेकिन यदि भारत का पश्चिमी भाग प्लेट विवर्तनिकी के कारण ऊपर उठ रहा है और वहीं पर समुद्र तल भी ऊपर उठ रहा है, दोनों बराबर ऊपर उठ रहे हैं, तो निश्चित रूप से पश्चिम तट यह सिद्ध करेगा कि सी लेवल उठ रहा है। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के बावजूद भी, अर्थात भारत के पश्चिमी घाट के ऊपर उठने के बावजूद भी, यदि वहाँ पर सी लेवल के ऊपर उठने की रिपोर्ट आ रही हैं, इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि इस समय पूरे ग्लोब पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और सी लेवल ऊंचा हो रहा है। और इस तरह से ऐसी ही अगर ग्लोबल वार्मिंग होती गई, समुद्र तल उठता गया, तो कुछ ऐसे अनुमान लगाए गए हैं कि पृथ्वी पर इतनी बर्फ़ है कि उसके गलने से धरती का अधिकांश स्थल जलमग्न हो जाएगा। ये रही कथा सी लेवल चेंज की, जिसमें सबसे पहले आप डिफिनीशन देंगे डेटम प्लेन का और उसमें सी लेवल चेंज के बारे में बताएंगे क्या होता है यूस्टैटिक, फिर दो कारण, एक ग्लोबल कूलिंग जिसके कारण नेगेटिव सी लेवल चेंज होता है, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग जिसके कारण पॉजिटिव या धनात्मक समुद्र तल परिवर्तन होता है। और इसमें ग्लोबल कूलिंग पर यदि आपको अलग से लिखना हो तो ग्लोबल कूलिंग के ये दो चरण हैं और प्लीस्टोसीन चरण पर चार उप चरण हुए हैं और इसका इम्पैक्ट विशेष रूप से यहाँ तक है, इसलिए इसमें आप इतना मैटर लिख देंगे। लेकिन यदि ग्लोबल वार्मिंग पर लिखना है तो इसी मैटर को बढ़ाकर लिख देंगे। और यहाँ पर एक उल्लेखनीय बात है कि ग्लोबल वार्मिंग से
पूरा विश्व प्रभावित है और भला भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर उससे कैसे अछूता रह सकता है। इन दोनों में भी सी लेवल राइज कर रहा है और भारत में जैसा कि हम लोग पढ़े थे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार सी लेवल या एवरेज या एबव मीन सी लेवल जो हाइट निकाली जाती है सी लेवल को बॉम्बे हाई से तय किया जाता है, लेकिन उसके पहले तमिलनाडु में चेन्नई शहर के पास से सी लेवल निकाला जाता था, लेकिन हम लोग ओशन लेवल न पढ़कर सी लेवल की बात करते हैं, अर्थात विश्व के हर समुद्र का लेवल अलग अलग होता है जिसके अनेक कारण हैं, तापमान, इवेपोरेशन, स्थल की बनावट और खारापन इत्यादि। और जैसे कि ब्रिटेन का सी लेवल न्यूलिन कार्नवाल से मेजर किया जाता है जो आसपास के समुद्र तल से 80 सेंटीमीटर वैरी करता है, विचलन होता है। इसी तरह से यदि भारत में आप बे ऑफ बंगाल का सी लेवल और अरेबियन सी का सी लेवल मापते हैं दोनों में अंतर है। बे ऑफ बंगाल का सी लेवल अरेबियन सी के सी लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसका क्या कारण है इस पर हो सकता है कि यूपीएससी अलग से पूछ ले, जिसमें कि आपको एक्सप्लेन करना होगा कि अरेबियन सी का जल स्तर नीचे है क्योंकि वह तीनों तरफ से शुष्क स्थल या मरुस्थल से आबद्ध है, तापमान ज़्यादा होता है, उसमें नदियाँ कम जल लाकर गिराती हैं। इसके विपरीत बे ऑफ बंगाल का वाटर लेवल अरेबियन सी के वाटर लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊंचा है, जिसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, पहला वहाँ पर समर सीजन में मानसून से रेन होती है जो कि हिंद चीन और भारत के पूर्वी तट पर पर्याप्त मात्रा में होती है, और दूसरा कारण आप दे सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल में भारत की अधिकांश नदियाँ या कह लीजिए कि हिंद चीन की भी सभी नदियाँ उसी में ला के जल उडेलती हैं, जिससे वहाँ का जल मीठा भी होता है, जल स्तर अरब सागर की अपेक्षा ऊंचा हो जाता है। और एक तीसरा कारण भी उसमें डाल सकते हैं कि इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर केल्विन का जल जो प्रशांत महासागर की धाराओं के कारण 40 से 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है, वह भी सुंडा, मलक्का, मकस्सर जल संधियों से होता हुआ बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग से प्रवेश करता है।